अभी चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिस्ट के अंदर एक लिस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए एक लिस्ट बनाई हुई है जिसका नाम मैंने रखा है मैन लिस्ट और एक का नाम रखा है सब लिस्ट। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ मैन लिस्ट पे, तो यहाँ पे मैन लिस्ट के ऑप्शन आ जाते हैं। जब मैं सिलेक्ट करता हूँ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से रिलेटेड ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगे। वेरेवर यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ अगर लैपटॉप तो स्मार्टफोन, तो यहाँ पर आपको स्मार्टफोन से रिलेटेड ऑप्शन नजर आने लग जाएंगे। और अगर अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सपोज टू बी प्रिंटर्स, तो आपको यहाँ पे प्रिंटर से रिलेटेड ऑप्शन आने लग जाएंगे। मतलब जो भी मेन कैटेगरी में ले रहे हैं वही सब कैटेगरी में चेंज होता जा रहा है। तो ऐसा किस तरह पॉसिबल है ज़रा इसको भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो माइक्रोफोन का वॉल्यूम है 63 है, ठीक है। और माइक्रोटेक का वॉल्यूम ये तकरीबन कितना है 100 100 हुआ, ठीक है। और बाकी तो चीज़ें ठीक ही है जो अपने तौर पे काम कर रही है। आई थिंक मुझे लग रहा है इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने पे आते हैं, यहाँ पे देखिए कि हमारा जो साउंड कंट्रोल है वो अभी यहाँ तक आ रहा है सही तरीके से। अच्छा, अब चलते हैं आगे। तो ये कैसे बनाएंगे इसको, करने का तरीका ये हो सकता है कि आप एक शीट लेंगे और उस पर पहले सारा डेटा बना लेंगे। मतलब आपने डेटा को कुछ ऐसे तरह बनाना है कि जो कैटेगरीज हैं वो एक साथ पे लिखती जानी, ठीक है। जैसे कंप्यूटर एक कैटेगरी है, स्मार्टफोन एक कैटेगरी है, विदाउट स्पेस लिखना है यहाँ पे। हाँ, स्पेस के लिए अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ड्रेस, शूज, प्रिंटर, बाइक, फर्नीचर, लैपटॉप, शर्ट्स, अडाप्टर्स, ये सब अपने कैटेगरी बनाएंगे। उन कैटेगरीज की जो सब कैटेगरीज हैं, मतलब सब लिस्ट जो उसके आइटम है, उनको इस तरीके से ऐड करना है, ठीक है। सही है। अब क्या करना है आपने, तो पहले मैंने जो काम कर रखा है उसको पहले मैं रिमूव करता हूँ। अब रिमूव करना पहले सिखा रहा हूँ। नेम मैनेजर, ये सारे नाम मैंने रख रखे थे, इनको कर दिया डिलीट। नाम डिलीट करने का तरीका, और ये आ गया शीट पर, और ये मैंने डेटा यहाँ पे रख रखा था। डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, और यहाँ से हमने इसको कर दिया ओके, और इसको कर दिया क्लियर और ओके, ठीक है। और इसको भी कर दिया होम में जाके क्लियर कंटेंट, सही है। अब यहाँ कोई लिस्ट कंट्रोल नहीं है। अब शुरू करते हैं कि काम कैसे करना है। डेटा में गए, सेलेक्ट किया जो ये कैटेगरी का नाम है उसको, और जो उसकी कैटेगरी के आइटम्स का नाम है। होम में गए, डिफाइंड नेम में जाके भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट है वो ये है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, यानी कि नेम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इसका नाम रखो जो मैंने सेलेक्ट किया है। अब वो पूछ रहा है कौन सा नाम रखूँ, सबसे ऊपर वाले सेल का नाम रखूँ, सबसे नीचे वाले सेल का नाम रखूँ, लेफ्ट वाले कॉलम का नाम रखूँ, राइट वाले कॉलम का नाम रखूँ। हमारे केस में मैं चाह रहा हूँ कि इन सब का नाम रख दो आइटम। क्या रख दो? आइटम। क्या नाम रख दो? आइटम। तो आइटम नाम रख के हमने इसके टॉप पर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब इन सब का नाम क्या हो गया? आइटम, सही है? अच्छा, अब इसी तरीके से इनके भी नाम रखने, हर लिस्ट का नाम उसके इस पर रखना है, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से और इसको कहेंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब हर किसी का नाम उसके जो कैटेगरी का नाम है वो रख दो। तो वो लेफ्ट साइड पर आ रहा है पहला कॉलम, ओके, ये लो इन सबके नाम हो गए, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये आपने एक टेक्निक सीखी, मल्टीपल आइटम को अलग अलग नाम देने के बजाय चुटकियों में एक तरह से नाम दे सकते हैं। बात समझ में आ गई, ये टेक्निक भी सीख गए आप। अब आ जाए इधर, इधर आने के बाद इसको सिलेक्ट करें मेन लिस्ट को। मेन लिस्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से जाए फार्मूला में, यहाँ से क्लिक करें किस पर, डेटा में, और यहाँ से क्लिक करें डेटा वैलिडेशन के ऊपर। और इस पर आप कहेंगे कि भाई, इस पर आप क्लिक करके कहेंगे कि इस पर लिस्ट कंट्रोल अप्लाई करो, यहाँ पर जाओ और इनको नाम कहाँ से देंगे, फार्मूला, यूज इन फार्मूला, आइटम। तो ओके करने पर इस पूरे कॉलम के ऊपर जो भी आइटम के नाम होंगे वो अप्लाई हो जाएंगे, सही है। अब आते हैं सब लिस्ट पर, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने थोड़ा सा चेंज करना है, ऑप्शन लेना है लिस्ट का, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक फंक्शन लिखेंगे इनडायरेक्ट, इक्वल टू इनडायरेक्ट स्टार्ट ब्रैकेट, और जिस शीट पर मौजूद थे उस पर आएंगे। वहां पर आके आपने नोट करना है कि जो इसका मेन लिस्ट कंट्रोल है उसमें पहले में नाम कहाँ आ रहा है। देखो A1 में मेन लिस्ट लिखा हुआ है,
ए टू में कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए टू ब्रैकेट ओवर। यहाँ पर आप गलती करेंगे, क्लिक नहीं करना है, क्लिक करेंगे तो फिक्स्ड हो जाएगा, क्लिक नहीं करना है, और इसको क्या करेंगे, ओके ठीक है। अब आप चेक कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेंज करें स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन के ऑप्शन आ रहे हैं, क्लिक करें, यहाँ चेंज करें ड्रेस, यहाँ पे ड्रेस के ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। अब एक मसला है कि जब आप जर्नली सबके नाम रखते हैं तो कुछ पे तो देखें आपको ब्लैंक एंट्रीज नजर आ रही हैं और कुछ पे आपको फुल एंट्रीज नजर आ रही हैं। अब ये ब्लैंक एंट्रीज कैसे खत्म करेंगे, देखो इसका तरीका ये है कि यहाँ डेटा पे जाएंगे, क्योंकि आपने ऐसे कंपाउंड बनाया था ना, ऐसे करके कंपाउंड, तो अब किसी में नाम ज्यादा थे किसी में कम थे, तो जिनमें नाम ज्यादा थे वो तो पूरे पूरे यूज हो गए, जिनमें कम थे उसमें एक ऑप्शन है कि आप ऐड करा सकते हैं, लेकिन वो खाली बुरे लग रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो खाली वाले उनको सेलेक्ट करेंगे और होम में जाएंगे और यहाँ से कहेंगे डिलीट, डिलीट में जाके कहेंगे डिलीट सेल्स, शिफ्ट सेल लेफ्ट, ओके डिलीट, डिलीट सेल्स, शिफ्ट सेल लेफ्ट, सेलेक्ट, इन सबको ही कर दो एक साथ, लेकिन फिर अलग अलग करने पड़ेंगे। चलो ये दोनों एक जैसे ही हैं, इन दोनों को एक साथ कर देते हैं, डिलीट, डिलीट सेल्स, शिफ्ट सेल लेफ्ट, ये तीन एक साथ ले लेते हैं, फिर इनके एक एक रह जाएंगे, ऑपरेशन को बार बार ही करना पड़ेगा, सेलेक्ट डिलीट, डिलीट सेल्स, शिफ्ट सेल लेफ्ट, ठीक है। आपको लग रहा होगा डिलीट नहीं हो रहे, लेकिन वो सेल्स डिलीट हो रहे हैं जो नाम में पहले असाइन किए गए थे, उनकी जगह पे नए सेल्स आ रहे हैं जो उस नाम का पार्ट नहीं है, डिलीट, डिलीट सेल्स, शिफ्ट सेल लेफ्ट। मैं लेफ्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नाम इस तरह है, अगर नाम इस तरह होते हैं तो शिफ्ट सेल अप करता। ओके अब चेक कर ले, हो गए पूरे पूरे इस तरह, ये पर खाली कौन सा था, ये डेल एचपी वाला, ये वाला रह गया, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ओके अब मिसाल के तौर पे आपको नया कोई ब्रांड ऐड करना पड़ गया, फिर क्या करेंगे? अब ब्रांड ऐड करने के लिए जैसे आपने लिखा एप्पल के बाद एक नया ब्रांड आ गया मोटरो, सॉरी एसएस, एएसयूएस, ठीक है। अब ये एस ब्रांड यहाँ पे ऐड नहीं होगा। अब जिसमें भी कभी भी अपडेशन करना है, वेरी सिंपल, अपडेशन करने का तरीका ये है कि उस लिस्ट को पूरा सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ उस लिस्ट को विद इट्स कैटेगरी नेम, फॉर्मूला में जाएंगे, क्रिएट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और कैटेगरी का अगर आप लेफ्ट पर है तो लेफ्ट पे कॉलम पे लगाएंगे, ओके करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, अपडेट हो गया, ठीक है। सिमिलरली ड्रेस में जाके आपने ऐड किया, ड्रेस कैटेगरी में सपोज टू बी, ठीक है, अब स्कर्ट्स हमने ऐड कर दिया है और यहां पर ये ऐड नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे, सिलेक्ट क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन लेफ्ट, ओके यस अपडेट हो गया, अब आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। और डिलीट का तो मैं बता चुका हूँ। सिमिलरली अगर आपको कोई नई कैटेगरी ऐड करनी है तो दोबारा से आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे उस कैटेगरी के साथ और कहेंगे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन टॉप, तो वो कैटेगरी भी ऐड हो जाएगी इसके अंदर। और डिलीट करने का मैंने तरीका बता दिया है कि आप उसको डिलीट करना है तो डिलीट सेल, शिफ्ट सेल अप करेंगे ऊपर की तरफ, और अगर लेफ्ट पे करना है तो शिफ्ट सेल लेफ्ट करेंगे। तो इस तरह से आप डेटा, ये बनाने का फायदा क्या है, ये बनाने का फायदा ये है कि डेटा को आप गलत एंटर होने से बचा लेंगे, यानी कि एक बहुत बड़ी शीट है तो उसमें डेटा एक दूसरे की कैटेगरीज में आता है तो इसमें गलत एंट्री की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। अगर कोई गलत एंट्री करना भी चाहेगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इसमें तो एक्सेप्ट कर लिया, क्यों कर रहा है भाई, एक मिनट शायद इसमें कोई और इशू है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, एक मिनट, यहाँ से पहले हम इसकी कैटेगरी लेते हैं और फिर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये बिल्कुल स्पेलिंग के साथ आएगा, लिखने की जरूरत नहीं, सिलेक्ट हम इसमें इजीली कर लेंगे,